radius of the base of right circular cone and the radius of sphere are each 5 cm in length. So radius यहां पे किसका कोन का रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल रेडियस ऑफ स्फीयर ये बोला जा रहा है क्वेश्चन ठीक है तो दोनों कितने हैं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है तो ये आपका आर और आर ये ले लो आप 5 सेंटीमीटर हो गए दोनों के ये रेडियस ऑफ कोन है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ठीक है 5 सेंटीमीटर अब आगे बोला जा रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सो वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का सो 4/3 पाई आर क्यूब अब दोनों का रेडियस क्या है इक्वल है तो रेडियस को चेंज ना करिए ऐसे ही रहने दीजिए और दोनों पाइप है तो पहले तो काट लीजिए आर स्क्वायर से ये क्यूब पाई से पाई काट दीजिए 3 से 3 कट गया यहां अपने पास सिर्फ h बचा यहां 4 और एक r बचा अब r दोनों इक्वल थे काट दिए जो r बचा उसकी जगह 5 रख दीजिए तो 4 × 5 तो ये 20 हो जाएगा हाइट 20 सेंटीमीटर ठीक है